देश भर में नकली शराब बेचने वाली बड़ी गिरोह का रतलाम पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। रतलाम पुलिस ने दिल्ली और गुजरात में चल रही दो फैक्ट्रियां पकड़ी हैं, जहां इंग्लिश ब्रांडेड शराब के नाम से ढक्कन और होलोग्राफ बनाए जा रहे थे। ढक्कन और होलोग्राफ आदि देश के 7 राज्यों में सप्लाई होते थे, जहाँ से नकली शराब को असली बताकर बेचने का बड़ा खेल चल रहा था। इसमें बताना चाहूंगा कि अभी तक हम लोगों ने लगभग 32 लोगों को गिरफ्तार किया था। उसी विवेचना में आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंचे ट्रांसपोर्टर तक, जहां से इन तक माल पहुंचा है उसको हम लोगों ने फर्दर जब इन्वेस्टिगेट किया तो हम लोग अहमदाबाद और दिल्ली पहुंचे हैं, जहां से हम लोगों ने दो फैक्ट्रियां जब्त की हैं, सील किए हैं, उनके मालिकों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में जो फैक्ट्री जब्त की गई है, सील की गई है, जो आरोपी गिरफ्तार हैं उनसे पूछताछ में तथ्य सामने आया कि लगभग 2008 से ये लोग ढक्कन बनाने का काम करते हैं। इन्होंने अपना एडवर्टीजमेंट इंडिया मार्ट पर कर रखा है, वहाँ से जो अवैध शराब बना के फैक्ट्री चलाते हैं लोग, उन लोगों ने इनसे संपर्क किया और इनको अपने ऑर्डर प्लेस किए। इस दूसरी बात, जब हम लोगों ने इसमें इंग्लिश शराब जो ब्रांडेड शराब रहती है उनकी बेचना कर रहे थे, जो उसमें तथ्य में सामने आया कि भाई अहमदाबाद तक पहुंचे हम लोग, जहां पर एक फैक्ट्री पूरी तरह से अवैध फैक्ट्री संचालित की जा रही थी एक घर में, जहां पर जिसके मालिक को गिरफ्तार किया गया है सुमित करके हैं, उनके पास से लगभग 40,000 से ज़्यादा अवैध ढक्कन बरामद किए गए हैं। ये लोग लगभग 9 ब्रांड्स हैं जिनके अवैध ढक्कन बनाते हैं, इंग्लिश ब्रांड्स हैं उनके ढक्कन बनाते हैं, और इन्होंने भी अगर हम पिछले एक वर्षों में देखें तो सेम क्वांटिटी में लगभग 15 से 16 लाख ढक्कन इन्होंने इंदौर में सप्लाई की हैं ब्रांडेड शराब के, और इन्हीं लोगों के माध्यम से लेबल, होलोग्राम, स्टिकर आदि चीज़ें भी यहाँ फैक्ट्री से संचालित करने वालों के पास आती थी।